तो दोस्तों ये कुछ फायदे जियो फाइबर के, ये 5 सितंबर से रोल आउट करना शुरू कर देंगे और इन्होंने जो टारगेट रखा है वो 1 साल का रखा है, 1 साल में जियो फाइबर सबको मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, डे किसान में आपका स्वागत है और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइबर के बारे में। जियो ने गीगा तो हटा दिया, बस फाइबर ही बचा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ बेनिफिट बताऊंगा जियो गीगा फाइबर के, क्या क्या बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल्ली से लाइक कर दिए क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूले। सबसे पहले हम जियो की कुछ अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अचीवमेंट है जियो का, जियो के 340 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं यूट्यूब पे सर्च करके देखता हूँ। ये तो 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर है बस, मतलब ये झूठ बोल रहा हूँ सर, मतलब ये झूठ बोल रहा हूँ सर। सॉरी दोस्तों, ये जो सब्सक्राइबर है यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर नहीं है, जैसे कि बहुत से लोगों ने सेम ले रखी है तो वो ये वो वाले सब्सक्राइबर है। तो जियो के 340 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और हर महीने जियो के 10 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको एक और बात बता देता हूँ, जियो ने जो अगले साल सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है वो रखा है 500 मिलियन। तो दोस्तों ये बहुत होते हैं, तो देखते हैं अगले साल जियो 500 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों अब हम रैंक की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो रैंक है जियो की वो नंबर 1 पर है। इंडिया में जियो नंबर 1 पे चल रहा है और ज़्यादातर लोग जियो ही यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों हम वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में ये सेकंड रैंक पर आता है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो दोस्तों मैंने कुछ जियो की अचीवमेंट बता दी है, अब जल्दी से चलते हैं हम जियो गीगा फाइबर की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जियो फाइबर से। जियो फाइबर की जो स्पीड होने वाली है वो 100 Mbps से 1 GB तक की होगी। जो 100 Mbps की स्पीड होगी वो बेसिक होगी और ये 1 GB तक जाएगी। तो दोस्तों अब हम कुछ इसके मंथली प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो मंथली प्लान होगा वो 700 रुपये से शुरू होगा और 10,000 रुपये तक जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ जियो फाइबर के फायदे बताने वाला हूँ। ये फायदे बस ईयरली पैक वालों को मिलेंगे, मंथली वालों को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले जो मिलने वाला है आपको एक 4K टीवी और दूसरा 4K सेटअप बॉक्स। और दोस्तों आपको जो तीसरी चीज मिलने वाली है वो है लैंडलाइन। तो मैं आपको 4K सेटअप बॉक्स के कुछ फायदे बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपको फायदा मिलेगा वो एजुकेशन में, ये सेटअप बॉक्स आपको एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा। साथ ही साथ आप शॉपिंग इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना किरदार खड़ा करके अलग अलग कपड़े पहना के ये डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो आप इसमें शॉपिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ इसमें मिलने वाली है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। जैसे कि कोई मूवी रिलीज होती है तो वो सबसे पहले थिएटर में आती है, फिर बाद में टीवी पर वो खुद 1-2 महीने बाद दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मूवी लॉन्च होगी वो आपके 4K सेटअप बॉक्स पर आ जाएगी। वैसे दोस्तों आपको एक बात बोलूं, इससे बॉलीवुड का नुकसान हो सकता है। तो वैसे बॉलीवुड भी चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो उन्हें पहले से ही पार्टनरशिप कर रखी होगी। और दोस्तों जो गेमर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जैसे कि ऑनलाइन गेम होते हैं और उन्हें लाइव स्ट्रीम करनी होती है तो इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रीम होगी और आप ऑनलाइन वाले गेम बिल्कुल पानी की तरह खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें इसकी हाईलाइटिंग फीचर है 4K सेटअप बॉक्स की। तो दोस्तों आया था मैं इसके लैंडलाइन पर। आप इंडिया में कहीं पर भी कॉल करते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक तो वो कॉल बिल्कुल फ्री होगी। अगर आप इंटरनेशनल करते हैं कॉल तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। इसका जो चार्ज होगा आपको 500 रुपीज़ का रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब आप इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं। जैसे कि कैनेडा और USA आप फ्री में बात कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए उसके लिए भी कोई प्लान लेकर आ जाए जियो। तो दोस्तों ये कुछ फायदे जियो फाइबर के, ये 5 सितंबर से रोल आउट करना शुरू कर देंगे और इन्होंने जो टारगेट रखा है वो 1 साल का रखा है, 1 साल में जियो फाइबर सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बता रहा हूँ और आपको ऐसी अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।